हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग के जॉब अपडेट सेक्शन में, जहां पे आपको मिलती हैं बहुत बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, प्राइवेट जॉब अपडेट्स जो आपके फ्यूचर को करती हैं बूस्ट। तो चलिए, आज का नोटिफिकेशन किसके बारे में है बात करेंगे, वन बाय वन हर एक चीज के बारे में आप बात करेंगे। आप एलिजिबल हैं नहीं है, कैसे आपको सिलेक्शन मिलेगा, सारी की सारी चीज इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ में इस वीडियो में। उससे पहले इस वीडियो का टारगेट भी हम 100 लाइक्स रखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपका एप्रिसिएशन एक ना एक दिन तो जरूर मुझे मिलने वाला है और मेरे 100 लाइक्स का टारगेट जरूर कंप्लीट होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप सबसे वो है कि वीडियो को लाइक करें और हाँ, शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ये नहीं है कि आप खुद नौकरी लेके बैठ जाओ और अपने दोस्तों को आप बातें बताओ ही ना, तो शेयर जरूर करना यार, है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो वीडियो है आज की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ जूनियर इंजीनियर के पद की व्यवस्था की गई है दोस्तों आप लोगों के लिए, जिसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले लोग जो हैं वो एलिजिबल हैं। तो बात करते हैं डिटेल में इस नोटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए, इसकी जो डेट रहने वाली है वो फैब सेकंड से शुरू हुआ है और 15 फैब को ये जो आपका फॉर्म है ये बंद हो जाएगा। मतलब कि बहुत ही छोटी विंडो दी है इसमें, बहुत ही यू कैन से 13 डेज की विंडो दी है। तो मेरा सजेशन ये है कि इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही लास्ट डेट नज़दीक आती है तो सर्वर में वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो अर्ली आप इसको अप्लाई करें, मेरा सजेशन यही रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो जूनियर इंजीनियर सिविल की भी 24 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल भी 24 पोस्ट है। कौन से जोन में कितनी पोस्ट है वो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, और इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन में भी आप बाद में इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 24 पोस्ट है इसके अंदर। और अगर हम बात करें कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले फीस का बता दूं तो जो SC ST कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे, उनके लिए 50 रुपीज का आपका अमाउंट लगने वाला है, सिर्फ 50 रुपीज का। और जो बाकी बचे हुए हैं और जो जनरल कैंडिडेट्स हैं, उनका बेसिकली जो फीस है आपकी वो देनी पड़ेगी, जो भी इन्होंने डिसाइड की है, ठीक है। और SC ST कैंडिडेट को इंटीमेशन चार्ज जो है वो आपको देने पड़ेंगे। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो जूनियर इंजीनियर जो सिविल वाले बच्चे हैं उनका 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इन द सिविल इंजीनियरिंग। एंड यहाँ पे परसेंटेज क्राइटेरिया भी है, देखो यहाँ पे मिनिमम 65% आपके होने चाहिए। अगर आपके 64.99 है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर SC ST कैंडिडेट की बात कर ली जाए तो वहां पे आपको 10% का रिलैक्सेशन है, 55% आपके भी होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, जी इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, तो वही आपका डिप्लोमा होना चाहिए, किस 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका डिप्लोमा है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, 65% आपके होने चाहिए। और आप अगर किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, देखो तो जूनियर इंजीनियर सिविल में मिनिमम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं। अगर आप बीटेक होल्डर हैं तो मिनिमम आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड सेम इज फॉर द इलेक्ट्रिकल, ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में अगर बता दूं तो जेई जो सिविल है उनका रहेगा जॉब डिस्क्रिप्शन हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल, सॉरी हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस इंटीरियर वर्क ATC ऑफ बिल्डिंग रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड अदर रिलेटेड जॉब्स इन ऑफिस बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज। और जे इलेक्ट्रिकल जो बनेंगे उनका क्या रहेगा, हैंडलिंग एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉलेशन सिस्टम एंड अदर रिलेटेड जॉब्स इन ऑफिस बिल्डिंग एंड रेजिडेंशियल कॉलोनीज में, ठीक है। अच्छा, सिलेक्शन कैसे होने वाला है, पेपर कैसे होगा, आपका देखिए पेपर यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली मैंशन कर दिया गया है, और यहाँ पे फिक्स डेट भी आपको मैंशन कर दी गई है। क्या डेट है, आपका एग्जाम होने वाला है कब, 8 मार्च को आपका एग्जाम होने वाला है, तो बहुत ही कम टाइम है आपके पास में। अच्छा, अब स्कीम क्या है, देखिए इंग्लिश आएगी इसके अंदर जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, मार्क्स आपके 50 होंगे। अच्छा, इंजीनियरिंग जो डिसिप्लिन है उसका, उसके भी देखो कितने पेपर होने वाले हैं। पेपर वन में आपके 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, फिर से पेपर टू होगा जिसमें 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स, फिर आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग वाला पार्ट चेक किया जाएगा, वहां पे 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स होंगे आपके। सो टोटल 180 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड फॉर दैट द टोटल मार्क्स आर 300 मार्क्स, ठीक है।
तो टोटल टाइम कितना दिया जाएगा आपको, 150 मिनट्स दिया जाएगा, ठीक है, और सेपरेट टाइम फॉर ईच सेक्शन। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, ये आपका पेपर पैटर्न है, और इसका यहाँ पे लिख दिया कि देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर इन द ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हर एक गलत जवाब के लिए आपसे 0.25 मार्क्स वापस ले लिए जाएंगे। तो सिर्फ टिक उसी के करें जिस पे आपको पूरा भरोसा है, जिस पे भरोसा नहीं है उस पे बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी लास्ट डेट इसकी, ये था इसका सिलेक्शन प्रोसीजर, और ये थी इसकी वैकेंसीज। आई होप आपको नोटिफिकेशन पसंद आया होगा, और बहुत ही छोटी विंडो है तो इसको आप जल्दी से जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिए। तो आज का नोटिफिकेशन बस इतना ही, इंतजार कीजिए अगले नोटिफिकेशन का, क्या पता अगला नोटिफिकेशन ही आपका फ्यूचर बन जाए। तब तक के लिए नमस्कार। इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।